बहन प्रिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप काम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम भिंडी लेके इसे अच्छे से धुल के इसे कॉटन के कपड़े से सूखा कर लिया, इसे बारीक कट कर लिया है। इसमें हम आधा नींबू लेके स्क्वीज करेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 3 से 4 पिंच हींग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 प्याज लेके इसे मीडियम शेप में इसे कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी लंबे शेप में कट करके हमें इसे अच्छे से भून लेना है ब्राउन होने तक। और यहाँ पे 1 आलू लेके जिसे मैंने वर्टिकल शेप में इसे कट कर लिया है, छोटी सी आलू ली है, इसे भी लेके हम इसमें भून लेंगे। 1 आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम इसमें मिक्स करते हुए फिर हम इसमें भिंडी ऐड कर लेंगे और भिंडी को ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम लो फ्लेम करके इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद हम इसका लिड ओपन करके सब्ज़ी को चला लेंगे ताकि ये नीचे बॉटम में लगने न पाए। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है ताकि ये भिंडी फूटने न पाए। फिर हम इसे ढक देंगे और हमें इसे ढक के 5-5 मिनट बाद हम इसे लिड ओपन करके हम इसे चलाते जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये भिंडी रेडी हो गई है, ये पक गई है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है ये। और देखिए आलू भी पक गई है और भिंडी भी ये पक गई है। तो बस हमें इसे 3 से 4 मिनट खुले बिना ढके हम इसे पका लेंगे। तो ये सब्ज़ी पक गई है, रेडी हो गई। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने अनुभव बताएं और इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। बाय।